पैनोरमल कम्युनिटी कहती है कि एनर्जीज जो स्पिरिट्स हैं वो एग्जिट करती हैं। हाय गाइस, माय नेम इज आकृति। तो आजकल बहुत वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे कि आप सागर तिवारी की जो नई वीडियो आई है ईएमएफ मीटर लेके, जो वो एक लोकेशन पे गए हैं और उन्होंने बताया है कि उनको कुछ फील हो रहा है, उनको डर लग रहा है, ये वो। पहली बात, उन्होंने किसी भी वीडियो पे ये नहीं बोला है कि उनको कोई भूत प्रेत से डर लगता है या उनको कोई भूत प्रेत दिखा है। तो ये बोलना प्लीज एक बारी बंद कर दो कि उनको कोई भूत प्रेत दिखा और वो इस बात पे यकीन करने लगे हैं। उन्होंने ये बोला था कि एनर्जीज होती हैं जो आपको फील करवा सकती हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दे के भी बोला था, जैसे कि हवा को आप सिर्फ फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। और उन्होंने जितनी भी रिसर्च करी है उसके हिसाब से, जैसे उन्होंने रिसर्च करा था गौरव तिवारी के ऊपर, जो बहुत साल पहले मर चुके हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे, रिसर्चर थे, तो उन्होंने वो सब रिसर्च करके आपको पूरी वीडियो में बताया है। तो प्लीज ये बोलना बंद करो कि वो डर गए हैं या उन्होंने फेक दिखाया या कुछ ऐसा। पैरानॉर्मल कम्युनिटी कहती है कि एनर्जीज जो स्पिरिट्स हैं वो एग्जिट करती हैं, वो होती है, उनका ऐसा मानना है, वो बिलीव है, तभी शायद ये मीटर्स बने हैं। और आपने कभी भी किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की वीडियो देखी होगी तो ये ज़रूर उनके पास मीटर होगा जिससे कि वो ये पता कर सकते हैं, जिससे वो कनेक्ट कर सकते हैं एक गोस्ट से आपके अकॉर्डिंग या किसी एनर्जी से। वो कभी गोस्ट नहीं बोलते, वो बोलते हैं किसी भी एनर्जी से, क्योंकि अगर इसके नियर बाय कोई भी एनर्जी होगी तो वो ये सिग्नल दे के बताएगा। दूसरी बात, सागर तिवारी ने ये भी बोला कि उन्होंने साइंस दिए हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, ये एक साइन हो सकता है कि वो मेरे आसपास है। और कंटिन्यूसली उनका जो ईएमएफ मीटर था वो सिग्नल दे रहा था। मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं है, मैं डेस्परेटली जानना चाहती हूँ कि ईएमएफ मीटर काम करता भी है कि नहीं करता, क्योंकि मैं इन सब पे भरोसा नहीं करती। लेकिन उनकी वीडियो देख के मुझे हुआ विश्वास कि शायद करता होगा। तो सिग्नल आया था यहाँ पे और मुझे गर्मी लग रही है, ये एक साइन होता है किसी की प्रेजेंस का, ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का साइन होता है। ये मुझे फील हुआ है, मुझे गर्मी लग रही है और मुझे फ्रेश एयर चाहिए। अब तक मैंने मुँह जवानी काम किया, आज तक इतनी वीडियोस बनाई, इतनी हॉन्टेड जगहों पे गया हूँ मैं, मुझे कभी डर नहीं लगा। बट फर्स्ट टाइम मैंने इसको खुद पहली बार यूज़ किया, मुझे वहाँ दो सिग्नल मिले थे, शायद आपको दिखे होंगे। बट अब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मुझे डर भी लगा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बट फिर भी मैं वहाँ जाके बाहर जाके बात करता हूँ, पहले 5 मिनट मुझे रिलैक्स होना है। डर लग सकता है, किसी को भी लग सकता है। हमको यहाँ पे भगवान नहीं है क्या, हमको यहाँ पे मैजिशियन नहीं है कि एकदम से गायब हो जाएंगे अगर हमारे कोई सामने आ जाता है। तो हम किसी को बोलने लायक नहीं है कि हम नहीं डरते या कुछ ऐसा। जब हमारे सामने चीजें आती हैं तो हमें, हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, ये सबको पता होना चाहिए। बस इस बात को अप्रिशिएट करो कि वो कहीं जाके तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ भरोसा होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे बताओ कि ये कैसे चीजें वर्क करती हैं या कैसे चीजें मतलब एनर्जीज को पता लगता है कि कोई आया है, क्या है, वो अपना कैसे फील करवाती हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं डेस्परेटली जानना चाहती हूँ कि ये कैसे होता है। तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ और मुझे ये भी बताओ कि मैं किस पे और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।